गुड मॉर्निंग स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग सभी को जय हिंद राहुल निहाल रेखा सभी को वेरी गुड मॉर्निंग अशोक वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी लोग कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं आशीष कुशवाहा आप सभी को यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम टॉपिक फिनिश कर चुका हूं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक कवर कर चुका हूँ रेस्परेटरी सिस्टम टॉपिक मैं आप लोगों का कवर कर चुका हूँ तो ये सारे टॉपिक चैप्टर कवर करने के बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं तो जैसा कि आप मेरा नाम जानते हैं मैं हूं आशीष कुशवाहा आपका दोस्त आपका टीचर आप लोगों की जनरल साइंस कवर करने आ चुका हूं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से आप लोगों को गाइड करने आ चुका हूं तो ह्यूमन स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको हर क्लास में बताता हूं कि किसी भी चैप्टर को फिनिश करने के लिए मुझे कितनी क्लास चाहिए होती है तो ह्यूमन स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम को फिनिश करने के लिए मुझे टोटल थ्री क्लास चाहिए जिसमें आज आपकी पहली क्लास है इस चैप्टर में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में आज हम स्केलेटल सिस्टम स्केलेटल सिस्टम इन ह्यूमन पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ स्केलेटन पढ़ेंगे बोन्स के बारे में पढ़ेंगे और कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे तो ये चार मेजर कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं अच्छा अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ह्यूमन के अंदर कितनी बोन्स होती है तो आप तुरंत कहेंगे आपका आंसर आएगा सर 206। बट ये बोन्स जन्म के समय कुछ ज्यादा होती हैं लगभग 300 के करीब होती हैं जो कि बाद में फ्यूज होकर ये बोन्स क्या होती हैं कम हो जाती हैं इतना पता है अगर आपसे पूछा जाए कि जो शार्क है अगर शार्क के बारे में पूछा जाए कि इसमें कितनी बोन होती हैं, तो बच्चे अलग अलग तरीके के आंसर देंगे लेकिन आज की क्लास से आपको पता चलेगा कि शार्क के अंदर बोन होती नहीं है उसके अंदर कार्टिलेज से बनी हुई ढांचा होता है इतनी बात समझ में आ रही है और ये जो हमारा स्केलेटन होता है ये हमें क्या क्या मदद करता है आज की क्लास में आप ये सारी बातें जानने वाले हैं आज की क्लास में आपको ये पता चलने वाला है कि बोन कितनी हार्ड होती हैं कितनी स्ट्रांग होती हैं लेकिन उनके अंदर भी वाटर होता है थर्टी टू थर्टी वन परसेंट तो आज की क्लास में आप लोग बहुत कुछ जानने वाले हैं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर एक क्लास की शुरुआत में मैं आप लोगों को तीन क्वेश्चन देता हूं जिससे मुझे ये आइडिया लग सके कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चैप्टर के बारे में कितना जानते हैं तो चलिए आइए हम वो थ्री क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के सामने है आर बॉडी हैज 206 क्या व्हाट तो आप लोगों को बताना है सेल ह्यूमन बॉडी में कितने सेल होते हैं क्या 206 होते हैं या टिश्यूज सी ऑप्शन बोन्स और लास्ट ऑप्शन मसल्स ठीक है

अगर बोन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बहुत आराम से उसको मार्क कर पाएंगे इतना इजीली तरीके से आपको आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास में बोन्स के बारे में क्लियर कर दिया जाएगा और उससे भी अपकमिंग क्लास में मैं आपको ज्वाइंट्स और मसल्स के बारे में पढ़ाने वाला हूं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बोन्स आर मेड ऑफ बोन्स किसकी बनी होती है पहला ऑप्शन है मिनरल्स एंड साल्ट सेकेंड ऑप्शन है एसिड्स एंड बेस थर्ड ऑप्शन है लिविंग सेल एंड मिनरल्स और लास्ट ऑप्शन है सॉल्ट एंड वाटर तो जिन बच्चों के स्टूडेंट जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अगर उनके आंसर नहीं आ रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि अगर आपके आंसर नहीं आ रहे हैं, तो ये क्लास करने के बाद आप पर्टिकुलर इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जब आएंगे तो आप बड़े आराम से बोन पर कार्टिलेज पर अगर आएंगे क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से उसका आंसर कर पाएंगे तो यहां पर हम कहते हैं लिविंग सैंड एंड मिनरल तो जितने भी स्टूडेंट ने सी आंसर लगाया उनका आंसर बिल्कुल ठीक है लिविंग सेल एंड मिनरल ठीक है सॉल्यूशन यहां पर प्रेजेंट है बोन प्रोटेक्ट द बॉडीज यानी बोन्स के फंक्शन ये बता रहे स्केलेटल के फंक्शन बता रहे वो सारी चीज आज हम पढ़ेंगे लेकिन आप इसे नोट कर सकते हैं एज अ सॉल्यूशन अब मैं थर्ड क्वेश्चन यहां पर देखता हूं क्या बच्चे इसका आंसर देते हैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने चलिए मैं इसे पढ़ देता हूँ द प्रेजेंस ऑफ वॉट मेक द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज स्लाइटली प्लाइबल ठीक है प्लाइबल का मतलब क्या होता है मतलब आप समझ सकते हैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सॉफ्ट हो इधर उधर किया जा सकता हो उसको बोलते प्लाइबल ठीक है तो कार्टिलेज तो यहां पर कुछ सॉल्ट्स लिखे हुए हैं तो एक पहला सॉल्ट जो ऑप्शन ए में है देखिए आपको ऑप्शन दिख रहे हैं तो ये है आपका कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट दूसरा है फॉस्फेट सॉल्ट और तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है कैल्शियम सॉल्ट और लास्ट जो लिखा हुआ है वो सोडियम सॉल्ट तो इसका आंसर होगा आप लोगों का ए तो जितने बच्चे यहाँ पे कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं वो बिल्कुल सही हैं ठीक है ठीके? जब हम लोग कार्टलेज पढ़ेंगे तब हम ये कॉन्ड्रोटिन के बारे में पढ़ेंगे और कॉन्ड्रोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो ये हमारा सॉल्यूशन है द द द प्रेजेंस ऑफ ऑफ इन मैट्रिक्स मैट्रिक्स कार्टिलेज इज मेक ठीक है इतनी बात समझ में आ रही है अच्छा ऐसी बोन भी है बोन के बारे में भी बोला जाता है बोन के लिए कैल्शियम सॉल्ट होता है तो ये सारी चीजें आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम यहां पर जो स्टार्ट करेंगे किस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे स्केलेटल सिस्टम इन ह्यूमन समझते हैं कि आखिर ये स्केलेटल होता क्या है बाद में इसके फंक्शन देखेंगे तो इस पर जो बेसिक से कुछ क्वेश्चन आते हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर थ्री इमेज में देखिए एक स्केलेटल दिया गया है ह्यूमन का जो आप देख सकते हैं इसमें स्कल है वर्टेबरेट कॉलम है इसमें रिपकेज है रिप्स हैं है न फॉलिम हैं और हाथ है ह्यूमरस है स्केपला है ये सारी बोन्स है तो ये सारी बोन्स आपको काउंट कराई जाएंगी कुछ आज की क्लास में कुछ नेक्स्ट क्लास में ठीक है तो अब हम यहां पर बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम से रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स की जो फैक्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है ये किसका बना होता है तो मोस्टली बच्चे कहते हैं कि स्केलेटल सिस्टम बोन से बनता है भाई हड्डियां हैं और स्केलेटल सिस्टम बन गया लेकिन ऐसा नहीं होता स्केलेटल सिस्टम आप पूरा तभी बोलेंगे जब आप उसमें बोन की भी स्टडी कर लेंगे इसमें आप कार्टिलेज की भी स्टडी करेंगे इसमें जॉइंट्स भी होते हैं जैसे बॉल सॉकेट जॉइंट होता है जो कि यहाँ पर पाया जाता है ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा टेंडन होता है टेंडन क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ और इसमें लिगमेंट इनके भी फंक्शन मैं आपको बताऊँगा तो ये सब जॉइन करके क्या बनाते हैं एक स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं ह्यूमन का ठीक है इट हैज़ टू टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ यानी जो स्केलेटल सिस्टम होता है इसमें कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं टेंडन एंड लिगमेंट कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है जो दो अंगों को आपस में जोड़े दो डिफरेंट ऑर्गन को आपस में कनेक्ट करने का काम करता हो तो यहां पर लिगमेंट का काम क्या होता है लिगमेंट बोन से बोन को जोड़ता है यानी हड्डी से हड्डी को जोड़ता है जबकि टेंडन क्या करेगा ये बोन से मसल को कनेक्ट करेगा टेंडन क्या करेगा बोन से मसल को कनेक्ट करेगा आइए तो अब जो आपने छोटे छोटे फैक्ट यहां पर सीखे हैं उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए तो क्वेश्चन यह है इन ह्यूमन द टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन इज कॉल्ड यानी एक इंसान के अंदर जो मसल्स होती हैं मांसपेशियां होती हैं उनको हड्डियों से जो टिश्यू जोड़ता है कनेक्टिव टिश्यू जोड़ता है आपको उसका आंसर देना जैसे ऑप्शन ए टेंडन फिर फाइबर एक्सॉन और फीमर तो आप लोगों का करेक्ट अब देखिए फीमर जो होती है जान की हड्डी होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है तो यह तो नहीं होगा एक्सॉन जो होता है वो न्यूरॉन में पाया जाता है न्यूरॉन सेल होते हैं जो ब्रेन और पूरी बॉडी में पाए जाते हैं सी जो कि आपको नर्वस सिस्टम में यानी नेक्स्ट चैप्टर जब भी भी होगा आपको कराया जाएगा फाइबर उसी में होता है तो आप लोगों का आंसर क्या होगा ए तो जितने भी बच्चों के आंसर यहां पर ए आए हैं उनने बिल्कुल सही आंसर दिया है करेक्ट आंसर दिया है तो चलिए ए को हम यहां पर मार्क करते हैं ठीक ए को तो जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था कि टेंडन जो है ये एक कनेक्टिव टिश्यू है और ये मसल से बोन को जोड़ता है जबकि लिगमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है बट उसका काम होता है बोन से बोन को जोड़ना यही सॉल्यूशन में यहां पर मेंशन है तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको कुछ बेसिक फैक्ट बताया स्केलेटल सिस्टम की एक ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम कैसे बनता है जनरली लोग कहते हैं बोन से बनता है लेकिन उसके अलावा ज्वाइंट्स भी होते हैं और कार्टिलेज भी होती है टेंडन भी होता है लिगमेंट भी होता है ये सारी बातें मैंने आपको बताई अब बात ये आती है एग्जाम में कई बार फंक्शंस पूछे जाते है हैं कि स्केलेटन से हमारे क्या क्या फंक्शन जुड़े हैं क्या क्या ये हमें कर सकता है तो सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि आखिर मैं ऐसा ही क्यों दिख रहा हूं लेंथ में इतना ज़्यादा और चौड़ाई में मैं बहुत कम हूं वाइड एक डॉग है उसका आपने देखा होगा स्ट्रक्चर अलग होता है इस तरीके से आपने देखा होगा जैसे किसी और को देखा हो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कैट को देखा हो तो उसका स्ट्रक्चर अलग होता है आपने काओ को देखा हो उसका स्ट्रक्चर अलग होता है तो ये क्यों होता है क्योंकि इन सब के स्केलेटन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं तो देखिए ये एक हमारा ह्यूमन स्केलेटन है आप लोगों को हाय हाय भी बोल रहा है हाय हेलो बोल रहा है ठीक है तो सबसे पहली बात स्केलेटन जो होता है ये हमारे ऑर्गन्स को क्या करता है प्रोटेक्ट करता है जैसे देखिए मेरे जो लंग्स हैं किसी भी ह्यूमन के लंग्स क्या होते हैं रिप केज के अंदर होते हैं हार्ट भी केज के अंदर होता है ब्रेन कितना सॉफ्ट होता है स्कल के अंदर होता है तो ये क्या करता है हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको स्केलेटन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है तो पहला पॉइंट तो ये हो गया दूसरा मैं आप लोगों को बता चुका हूं शेप और साइज़ कि भाई कैसा शेप होना चाहिए ह्यूमन का शेप अलग होता है डायनासोर का शेप अलग होता है डॉग का शेप अलग होता है हॉर्स का शेप अलग होता है ये उनके स्केलेटन पर डिपेंड करता है सपोर्ट प्रदान प्रदान करता है सपोर्ट प्रोवाइड करता है देखिए अब हम खड़े हुए हैं हमारे हाथ ऐसे हैं तो ये स्केलेटन की वजह से है। इसके अलावा जो मिनरल्स होते हैं और जो फैट होता है फैट का बहुत ही कम मात्रा में लेकिन मिनरल्स का बड़ी मात्रा में स्टोरेज होता है स्केलेटन में हड्डियों में हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट यानी अब जैसे मैं ये चल पा रहा हूँ आप भी ऐसे टहल पा रहे हैं और देखिए ये जो भाई साहब हैं ऐसे हेलो कर पा रहे हैं तो ये किसकी मदद से हो पा रहा है मेरे प्यारे बच्चों ये स्केलेटन की मदद से ही हो पा रहा है और आप लोगों ने सुना होगा कि जो आर होती हैं बोन मैरो में बनती हैं सुना होगा तो ब्लड सेल्स बनाने के भी ये काम आता है और सुना नहीं होगा तो मेरी पहली क्लास देखिएगा सर्कुलेटरी सिस्टम जो मैंने पहला चैप्टर कराया था उसमें मैंने ये सारी बातें आप लोगों को बताई हैं तो आप लोगों को इस तरीके से फंक्शन भी पता चल गए हैं स्केलेटल के क्या होते हैं अब हम चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जैसे क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम यानी इन चारों में से देख कर आपको ये बताना है कि स्केलेटल सिस्टम का काम क्या नहीं है जैसे पहला ऑप्शन है मिनरल स्टोरेज जो कि अभी मैंने आपको बताया था तो यह ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमें नॉट का आंसर देना है दूसरा ऑप्शन यहां मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं आप देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन है प्रोटेक्शन तो ये भी था अभी थोड़ी देर पहले हमने फंक्शन देखा था थर्ड ऑप्शन है मूवमेंट अभी जो चल के दिखाया था अभी देखिए स्केलेटन ऐसे हेलो कर रहा था तो ये भी है लास्ट है मेटाबॉलिज्म तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है यूटिलाइजेशन से इसका कनेक्शन जो होता है वो डाइजेशन से कहीं ना कहीं होता है तो आप यहां पर आंसर डी लगा सकते हैं तो जितने बच्चों ने डी आंसर लगाया उन सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट है तो यहां पर लिख लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन द स्केलेटल सिस्टम है सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस व्हिच इंक्लूड स्टोरेज ऑफ मिनरल्स प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स सपोर्ट मूवमेंट है ना तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यू गेट अ परफेक्ट शेप ऑफ द बॉडी ड्यू टू योर ठीक है आपको आपकी बॉडी की एक परफेक्ट शेप जो मिली है वो किसकी वजह से मिली है मसल्स ब्लड या स्केलेटन या फिर नन ऑफ दीज तो जो हमें परफेक्ट सेप मिली है वो किसकी वजह से मिली है सेप और साइज जो है हमें स्केलेटन की वजह से मिला है तो सी आंसर बच्चों आप लोगों का बिल्कुल ठीक है बिल्कुल करेक्ट है और यहां पर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है ठीक है चलिए अब यहां पर हम लोग कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं स्केलेटल सिस्टम के जो बेसिक फैक्ट होते हैं ह्यूमंस के वो हमने पढ़ लिए फंक्शन ऑफ स्केलेटन हमने पढ़ लिया अब हम यहां पर बोन के बारे में पढ़ने वाले हैं हड्डियों के बारे में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ये बोन काउंट कराऊंगा टू जीरो सिक्स बोन जो एक ह्यूमन के अंदर होती हैं तो कौन सी बोन कितनी होती है फेशियल बोन कितनी होती हैं केज में कितनी बोन होती हैं ट्रू कितनी होती हैं फॉल्स कितनी होती है ये नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो फिलहाल हम बोन से स्टार्ट करते हैं यहां पर ठीक है तो देख लीजिए यहां पर बोन का एक थ्री एसिड लगा हुआ है और यहां पर बोन पर क्या फैक्ट है सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाता है कि भाई बोन बनी किसकी होती है तो मेरे प्यारे बच्चों बोन बनी होती है एक तरीके का प्रोटीन होता है जिसको कॉलेजन कहा जाता है और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है बोन किसकी बनी होती है कॉलेजन और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कॉलेजन इज अ प्रोटीन कॉलेजन एक प्रोटीन होता है जो कि किससे बनता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कॉलेजन इज अ प्रोटीन दैट प्रोवाइड अ सॉफ्ट फ्रेमवर्क यानी कॉलेजन जो होता है वो स्केलेटल को सॉफ्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एंड कैल्शियम फॉस्फेट इज अ मिनरल तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो एक मिनरल है दैट एड स्ट्रेंथ एंड हार्डन द फ्रेमवर्क यानी जो कैल्शियम फॉस्फेट मिनरल है यह स्केलेटल को स्ट्रेंथ देता है और फ्रेम वर्क को हार्ड बनाने की कोशिश करता है ठीक है इतनी बात समझ में आ रही है आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहां पर देखिए जैसा मैंने आपको बताया कैल्शियम फॉस्फेट यहां पर क्या कर रहा है बोन्स हैज वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया कि जो बोन है उनका जो हार्ड मैट्रिक्स है वो किसकी वजह से होता है और अभी मैंने आप लोगों को जब मैं क्लास का सेकंड या थर्ड क्वेश्चन करा रहा था तो मैंने आपको ये बताया भी था कि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो कॉन्ड्रेटिन के कारण होता है और जो बोन का होता है वो कैल्शियम सॉल्ट की वजह से होता है तो ये बात यहां पर आ चुकी है और लास्ट पॉइंट है ओसिन इज अ प्रोटीन ओसिन भी एक प्रोटीन होता है जो कि बोन्स में पाया जाता है ओसिन इज अ प्रोटीन फाउंड इन बोन्स देट इज कंपोज 95 फाइव परसेंट ऑफ कोलेजन यानी कोलेजन जो फाइबर होते हैं जिनसे हड्डियां बनती हैं कोलेजन सेल जो होते हैं इनको लिविंग सेल भी बोला जाता है तो कोलेजन सेल जो होते हैं इनमें 95 फाइव परसेंट इनका निर्माण जो है वो ओशन के द्वारा ही होता है ठीक है इसके अलावा हड्डियों में पानी भी पाया जाता है वाटर भी पाया जाता है अप्रोक्सीमेट थर्टी टू थर्टी वन परसेंट होता है ये तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई जो मैंने आप लोगों को बताया है चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग अब एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भाई बोन की स्टडी को क्या कहा जाता है तो द स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी ठीक है आपसे पूछा जाएगा कि एक अडल्ट में नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है तो आपका आंसर हो जाएगा टू जीरो सिक्स और बच्चे जब जन्म लेते हैं उस टाइम हड्डियां जो होती हैं वो थ्री हंड्रेड के अप्रॉक्स होती हैं लगभग ठीक इसके अलावा जो बोन्स होती हैं उनमें दो सेल और पाए जाते हैं दो अलग अलग सेल पाए जाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट ये दो सेल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल हैं जो कि बोन में पाए जाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट अब इनके फंक्शन क्या होते हैं जो ओल्डर बोन होती हैं पुरानी बोन जो होती हैं उनके रिजॉप्शन में रिजॉप्शन में ऑस्टियोक्लास्ट सेल काम करता है उन रिजॉप्शन का मतलब होता है पुनः शोषण उनको शोषण करके उनको एब्जॉर्ब करके दोबारा से निर्माण में और जो ऑस्टियोक्लास्ट होता है ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया है लेकिन जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है ये न्यू बोन के क्रिएशन में काम आता है तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है आपसे कई बार पूछा जाता है कि बोन के इंपॉर्टेंट सेल के बारे में बताइए तो वो होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है पुरानी बोन्स को क्या करता है रिजॉर्व करता है है ना उनका रिजॉर्प्शन करके उनको नए निर्माण करता है जबकि ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है नई बोन को क्रिएट करता है इतना आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन यहां पर बोन पर प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन है बोन आर कंपोज ऑफ यानी बोन किसकी बनी हुई है तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम दूसरा ऑप्शन है फॉस्फेट और सी ऑप्शन है दोनों बोथ ऑफ दीज और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज तो अभी मैंने आपको बताया था कि बोन्स जो होती हैं वो कोलेजन से बननी होती हैं कोलेजन सेल से और कोलेजन सेल का भी निर्माण ओशिन प्रोटीन करता है और मैंने आपको बताया था इसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है मिनरल ठीक है तो कैल्शियम भी फॉस्फेट भी तो आपका आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों का करेक्ट आंसर सी होना चाहिए तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर सी आंसर लगा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है अब एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है वही यहाँ पर लिखा है बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ अ फेम ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड अ मिनरल कॉल्ड कैल्शियम फॉस्फेट आपको सारी बातें मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ इसीलिए इसीलिए सभी बच्चों के आंसर भी यहाँ पर करेक्ट आ रहे हैं चलिए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है बोन्स आर ज्वाइंट टूगेदर टू फॉर्म अ यानी सभी हड्डियां मिलकर किसका निर्माण करती हैं पहला ऑप्शन है एक स्ट्रक्चर बनाती हैं दूसरा ऑप्शन है शेप बनाती है। वैसे तो स्ट्रक्चर भी बनाती हैं शेप भी बनाती हैं लेकिन सी ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है मुझे इसके लिए स्केलेटन बोन के मिलने से क्या बनता है हालांकि एक स्ट्रक्चर बनता है सेप बनती है लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है स्केलेटन कि स्केलेटन का प्रोपर्टिकुलर एक अपना शेप होता है तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर जो होता है सी तो जितने बच्चों ने भी इसका करेक्ट आंसर दिया है सी ग्रेट जॉब आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं ठीक है बोन्स आर व्हाइट हम सबको पता है बोन्स स्ट्रांग होती हैं बोन्स हार्ड होती हैं ये किसके कैल्शियम होता है इसके अंदर दे आर ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म आई स्केलेटन आई स्केलेटन प्रो ओके प्रोटेक्ट टू ऑर्गन बॉडी गिव सेप द बॉडी सब तो पढ़ लिया है हमने ऑलरेडी कुछ भी खास नहीं लिखा हुआ है ऑलरेडी क्लियर है हम लोगों को आइए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं तो यहां पर चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ वॉट मेक द मैट्रिक्स ऑफ बोन हार्ड जब हमने ये क्लास स्टार्ट की थी तो एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो कार्टिलेज पे था जिसका आंसर आप लोगों ने क्या बोला था कॉन्ड्रोयटिन उसका आंसर आपने क्या बोला था कॉन्ड्रॉयटिन लेकिन अब वहां पर कार्टिलेज थी लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में बोन है तो मैंने आप लोगों को बताया भी था अभी जब मैंने बोन्स के रिगार्डिंग फैक्ट बताए थे तो मैंने बताया था कि यहां पर जो बोन्स होती हैं उनके मैट्रिक्स का जो निर्माण होता है जो हार्ड मैट्रिक्स का निर्माण होता है वो किसकी वजह से फॉस्फेट साल्ट ये कार्टिलेज वाला आंसर है जो हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था क्वेंड्रोटीन और कैल्शियम साल्ट या फिर सोडियम सॉल्ट तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ये क्या होता है ये कैल्शियम सॉल्ट होता है तो देखते हैं कितने बच्चे यहां पर सही आंसर लगा रहे हैं सी आंसर लगा रहे हैं गुड गुड तो चलिए इसको सबमिट करते हैं और यहां पर लिखा है, कैल्शियम सॉल्ट ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से हमने स्केलेटल सिस्टम इन ह्यूमन बेसिक फैक्ट पढ़ लिए है फंक्शन ऑफ स्केलेटन पढ़ लिया है बोन पढ़ लिया है अब हम यहां पर कार्टिलेज पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं कार्टिलेज पढ़ने वाले हैं देखिए क्या होता है जो बच्चे होते हैं तो उनको 300 हंड्रेड बोन्स क्यों होती हैं क्योंकि उसमें कुछ बोन्स धीमे धीमे कार्टिलेज की हेल्प से क्या होती हैं फ्यूज़ होकर सिंगल बोन में आ जाती हैं तो कार्टिलेज जो होता है वो बड़ा सॉफ्ट होता है ठीक है तो देखते हैं कार्टिलेज किससे बना होता है कार्टिलेज इज़ मेड अप कॉलेजन फाइबर ठीक है बोन्स भी बनी होती है और क्या लिखा है और इन सेल्स को ये जो कॉलेज फाइबर सेल्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा जाता है कि जो कार्टिलेज जिन सेल्स से बनी होती है उनका नाम क्या होता है उनको क्या बुलाया जाता है तो आप कहेंगे कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है ये आपको याद होना चाहिए ठीक है कार्टिलेज भी क्या है एक कनेक्टिव टिश्यू है और कार्टिलेज के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन का नाम भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्या नाम है मैम्रेन कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम इज फाउंड अब अब द कार्टिलेज है ना तो कार्टिलेज के ऊपर जो मैमरेन पाई जाती है वो होती है पेरिकॉन्ड्रियम और इसका काम बस यही होता है कि जो ऑर्गन्स होते हैं उनको सेव रखना हड्डियों से और कार्टिलेज के फ्रिक्शन से घृषण से ठीक है कार्टिलेज कंटेन अ फ्लेक्सिबल सब्स्टांस कॉल्ड देखिए ये नाम आप लोगों का बार बार मैच हो रहा होगा देखिए यहां पर भी कॉन्ड्रोसाइड्स बड़ी ही स्पेलिंग्स यहाँ मिल रही हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है एक स्पेलिंग याद करेंगे तो आराम से दिमाग में याद रह जाएगा कॉन्ड्रोसाइट्स उस सेल का नाम है आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है वो भी है पेरिकॉन्ड्रियम है ना और कार्टिलेज जो एक फ्लेक्सिबल सब्सटेंस अपने अंदर रखते हैं उसको क्या बोला जाता है कॉन्ड्रोटिन कॉन्ड्रोटिन ठीक है और ये क्वान्टिटीन का फंक्शन क्या है ये हेल्प करता है कार्टिलेज को हेल्दी रखने में बाय एब्जॉर्विंग फ्लूइड्स यानी जैसे मोस्टली वाटर वाटर को क्या करता है टिश्यू में एब्जॉर्ब करता है और इसको क्या करता है हेल्दी रखता है इसके अलावा हड्डियों में कैल्शियम सॉल्ट पाया जाता है लेकिन कार्टिलेज के अंदर मेरे प्यारे बच्चों जो है आप यहाँ देख सकते हैं कैल्शियम सॉल्ट नहीं पाया जाता है ठीक है कार्टिलेज जो प्लाइबल है यानी फ्लेक्सीबल हैं मतलब प्लाइबल मतलब जिनको थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जा सके वो कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट की वजह से होते हैं जबकि बोन्स जो होती हैं वो कैल्शियम सॉल्ट की वजह से होती है इतनी बात क्लियर हुई सबको आइए तो अगर आपको कार्टिलेज के सारे फैक्ट क्लियर हैं तो इस पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाए वॉट टाइप ऑफ टिश्यू इज कार्टिलेज यानी कार्टिलेज किस तरीके का टिश्यू है पहला मस्कुलर दूसरा ऑप्शन है एपिथेलियम तीसरा है कनेक्टिव और लास्ट है नर्वस तो अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो कार्टिलेज है ये एक कनेक्टिव टिश्यू है अभी बिल्कुल आपको बताया था कार्टिलेज क्या है एक कनेक्टिव टिश्यू है. है ना बोन और कार्टिलेज दोनों ही कनेक्टेड टिश्यू है यहाँ पे लिखा है कार्टलेज है प्लाइबल मैट्रिक्स अनलाइक बोन्स विच पजेज हार्ड मैट्रिक्स ठीक है ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं सेकेंड क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्किन पे है द डैश मेक द सरफेस ऑफ बोन एट द ज्वाइंट सॉफ्ट यानी जहां पर दो बोन्स ज्वाइंट होती हैं आपस में मिल रही होती हैं वहां पर उपस्थित वो चीज वो चीज जो कि इसको सॉफ्ट यानी मुलायम बनाती तो पहला ऑप्शन है कार्टिलेज फिर अब आप लोगों को सारी बातें तो क्लियर ही हैं कार्टिलेज मैंने बताया था कि जो सॉफ्ट फ्रेमवर्क देती है टेंडन का, का काम क्या होता है लिगमेंट का काम क्या होता है ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं बोन से बोन जोड़ना मसल से बोन जोड़ना सब कुछ आप लोगों को फैक्ट बताए जा चुके हैं तो जितने बच्चों ने यहां पर ए आंसर लगाया है वो बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं गुड जॉब मेरे प्यारे बच्चों तो यहां पर ये सॉल्यूशन है जिसे आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन आप लोगों को ऑलरेडी ये फैक्ट्स पहले ही बताए जा चुके हैं तो इस तरीके से आज का ये लेक्चर फिनिश होता है और चलिए हम एक समरी यहां पर कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है पूरी क्लास में तो देखिए आपको पूरा बोर्ड दिख रहा होगा यहां पर हमने सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम इन ह्यूमन पढ़ा है ना ये जाना कि स्केलेटल सिस्टम जो होता है ह्यूमन का वो बोन्स कार्टिलेज जॉइंट टेंडन और लिगमेंट से मिलकर बनता है हमने ये पढ़ा लिगमेंट का हमने देखा क्या होता है लिगमेंट लिगमेंट बोन से बोन को जोड़ता है और जबकि टेंडन्स जो है वो बोन से मसल्स को जोड़ते हैं इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों हमने स्केलेटन के फंक्शंस पढ़े ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है साथ के साथ बॉडी को शेप देता है सपोर्ट देता है मिनरल और फैट को स्टोर करता है बॉडी मूवमेंट में काम करता है हेल्प करता है और ब्लड सेल्स बनाने में भी स्केलेटल काम करता है तो हमने स्केलेटल के फंक्शन पढ़े इसके अलावा हमने क्या पढ़ा हमने बोन्स के बारे में पढ़ा क्या पढ़ा हमने देखते हैं बोर्ड पे। बोन्स इज मेड अप ऑफ कॉलेजन एंड कैल्शियम फॉस्फेट बोन्स जो होती हैं कोलेजन और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं कॉलेजन एक तरीके का प्रोटीन होता है जो सॉफ्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जबकि कैल्शियम फॉस्फेट मिनरल होता है जो कि हड्डियों को बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इसके अलावा हमने पढ़ा बोन्स जो है एक हार्ड मैट्रिक्स होता है उसके पास और वो किसकी वजह से होता है कैल्शियम सॉल्ट की वजह से होता है देन हमने एक प्रोटीन के बारे में जाना जिसको ओसिन कहते हैं ओसिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो 95 परसेंट कोलेजन को हड्डियों में बनाता है हमने इतना जाना फिर हमने जाना कि जो बोन्स होती हैं उनकी स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं एक अडल्ट में जो बोन्स होती हैं वो 206 होती हैं इसके अलावा हमने बोन्स में पाए जाने वाले दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स के बारे में जाना ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में जाना ठीक है ऑस्ट्रियोब्लास्ट का काम क्या होता है ये जाना हमने ये देख लीजिए ओल्डर बोन रिजॉर्प्शन इज बाय द ऑस्टियोक्लास्ट एंड न्यू बोन क्रिएशन इज कॉज बाय द ऑस्टियोब्लास्ट इतना हमने आज जाना और इसके अलावा हम लोगों ने कार्टिलेज के बारे में भी पढ़ा आप देख सकते हैं हम लोगों ने आज कार्टिलेज के बारे में पढ़ा कि कार्टिलेज जो होती है ये भी कोलेजन फाइबर की बनी होती है और कार्टिलेज जिन सेल से बनी होती है उन सेल का नाम होता है कॉन्ड्रोसाइट्स इसके अलावा कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू होती है जिस पर आज हमने एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करी कार्टिलेज के ऊपर एक मैमब्रेन पाई जाती है उस मैमब्रेन का नाम होता है क्या पेरीकॉन्ड्रियम ठीक है कार्टिलेज के अंदर एक सब्सटेंस पाया जाता है एक फ्लूड पाया जाता है तो वो क्या होता है ये हमने जाना कॉन्ड्रोटीन इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि जो कॉन्ड्रोटीन होती है ये हेल्प करती है कार्टिलेज को हेल्दी रहने में ये एब्जॉर्ब करती है फ्लूइड पर्टिकुलरी वाटर को इन टू द कनेक्टेड टिश्यूज़ ये हमने जाना और जिस तरीके से हार्ड मैट्रिक्स जो बोन की होती है वो कैल्शियम सॉल्ट की वजह से होती है बट कार्टिलेज के अंदर कैल्शियम सॉल्ट नहीं मिलता है ये बात हमने आज डिटेल में जानी तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने आज ह्यूमन स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम का पार्ट वन यानी पहली क्लास कवर कर ली है नेक्स्ट क्लास हमारी पार्ट टू पर होगी जिसमें मैं आपको सारी बोन यानी 206 हड्डियां काउंट कराने वाला हूं एक एक हड्डी काउंट कराऊंगा तो आप जानते हैं कि आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है तो अभी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है ये एक होमवर्क क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर ऑफ रिप्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिप्स ठीक है फोर फाइव टू सेवन तो ये क्वेश्चन है आप लोगों का होमवर्क जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है लाइव कमेंट में नहीं देना है तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जय हिंद की